अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा आबाद रखे। वीवर आप देख रहे हैं आरएम डिश टीवी इन्फो। वीवर आज मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ रेड टाइगर के मॉडल 1 मिलियन V3 की। वीवर ये बॉक्स है, अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और उसके बाद आपको टीवी पर जो इसकी लेटेस्ट अपडेट आई है वो चेक करवाऊंगा। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। लाइक करने के पैसे नहीं मिलते, सिर्फ हौसला अफजाई होती है। तो वीवर ये फुल रियल 4K रिसीवर है, HDR है, H265 है, 3G है और डबल इसमें आपको रिमोट मिलता है। 15 मंथ तक आप इसमें चैनल देख सकते हैं जिनके कलर चेंज होते हैं और बग़ैर डिश के भी आप तकरीबन इसमें 10 साल तक चैनल देख सकते हैं और बहुत ही इसमें ऑप्शन हैं और रियल 4K रिसीवर है। किसी ने बाय करना हो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। 20,000 चैनल स्टोर कर सकते हैं, 100 नई सैटेलाइट ऐड कर सकते हैं और 4,000 नई TP इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसकी कर लेते हैं जी पहले अनबॉक्सिंग और फिर टीवी पर आपको लेटेस्ट अपडेट चेक करवाते हैं। तो यहां से हम इसको ओपन करेंगे। पैकिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये इसका बॉक्स है, पहले हम इसकी एक्सेसरी देख लेते हैं और उसके बाद आपको बॉक्स भी चेक करवाऊंगा। तो वीवर आपको दो रिमोट मिलते हैं, एक सेंसर वाला और दूसरा ब्लूटूथ मोड, ये वाला ब्लूटूथ रिमोट है और ये वाला आपको इसमें सेंसर वाला रिमोट मिलेगा। साथ आपको बैटरी सेल मिलेंगे, HDMI लीड मिलेगी, ये देखें बहुत ही प्यारी है, अच्छी है, क्वालिटी वाइज है और जे इसका 12 वोल्ट अडाप्टर मिलेगा साथ आपको। जे इसमें आपको एक थैली मिलती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको नमी से महफूज रखती है। जे मैनुअल यूज़र है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें वरना कोई मसला नहीं है। अब वीवर हम इसके बॉक्स को भी चेक कर लेते हैं। तो ये इसकी पैकिंग है, मैं पैकिंग में से इसको निकाल लेता हूं और आपको दिखा देता हूं। तो वीवर ये बॉक्स है इसका, सिर्फ इसमें जो मुझे मसला नज़र आता है कि ये प्लास्टिक बॉडी है, अगर ये मेटल की बॉडी होती तो बहुत ही प्यारा बॉक्स होना था क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट है और आपको फ्रंट पर कोई बटन नहीं नज़र आता। तो ये फ्रंट पैनल है, नीचे देख लें और ये इसकी बैक साइड है। आपने इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। डिश की तार आपने इधर लगानी है, HDMI लीड लगानी है और USB पोर्ट दी गई है, क्योंकि ये बिल्ट इन वाईफाई है तो इसमें आपको पोर्ट एक ही मिलेगी। RS232 केबल है, इसमें ऑडियो वीडियो का ऑप्शन है, डायरेक्ट आप नेट की तार लगा सकते हैं और 12 वोल्ट अडाप्टर के लिए जैक दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा रिसीवर है। अभी मैं आपको जो इसकी लेटेस्ट अपडेट आई है, बहुत नए फीचर इसमें आ गए हैं, वो भी चेक करवाऊंगा। तो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग जो मैंने दिखाई है, अगर किसी ने बाय करना हो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो व्यूअर चलते हैं टीवी की तरफ। वीवर कुछ इस तरह से अब इसका इंटरफेस हो गया है। सबसे हम पहले जाएंगे इसके इंस्टॉलेशन में, एंटीना सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप अगर नई सैटेलाइट ऐड करना चाहते हैं तो उसका मैं तरीका बता देता हूँ। आप सिग्नल भी जूम कर सकते हैं बेहतरीन, यानी कि अब इसमें ऑप्शन आ गए हैं तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं जी इसमें नई सैटेलाइट कैसे ऐड करनी है। तो आपने सैटेलाइट पे ओके का बटन प्रेस करना है और आपने रेड वाला बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर कोई नई सैटेलाइट लिख सकते हैं, ये भी हो गया। और इसी तरह अगर आप TP फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें तो आपने यहाँ पर आके
ट्रांसपोर्टर पे ओके का बटन प्रेस करना है और फिर आपने रेड वाला बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप नई फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो सिग्नल भी अब आप जूम कर सकते हैं। उसके लिए आपने ऐप वाला बटन प्रेस करना है तो ये फाइंडर बन जाएगा। और उसके बाद ये मोटर सेटअप है, फैक्ट्री डिफॉल्ट है और पाथ मेन्यू, बहुत बेहतरीन अब इसकी सेटिंग हो गई है। और व्यूअर इसके बाद हम जाएंगे इसकी सेटिंग में, और ये इसकी सिस्टम सेटिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी बड़े ज़बरदस्त नए फीचर आ गए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप फ्रंट लाइट का भी कम और कर सकते हैं, क्लॉक भी आप ऑन कर सकते हैं, और भी इसमें काफ़ी आपको चीज़ें मिलेंगी। तो अब चैनल लिस्ट स्टाइल का भी आप टैप कर सकते हैं, और ये देखें यहाँ पर वॉल्यूम पर की चैनल का भी ऑप्शन आ गया है। तो बहुत देने की अब इसमें नई अपडेट आ गई है, फीचर बहुत ही ज़बरदस्त आ गए हैं, वेदर भी इसमें आ गया है, आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर, ये इसकी OSD सेटिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब आपको यहाँ पर 2160 रेजोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी ये चीज़ें आप चेक कर लें, ये भी आपके काम की हैं। और ये CH मैक्स सेटिंग है, आप ऑन कर लेंगे तो नई लिस्ट आ जाएगी, लॉक लगा सकते हैं, कलर वगैरह सेट कर सकते हैं, टाइम्स सेट कर सकते हैं, और अबाउट STB भी आप देख लें। ये एडिट चैनल है, TV चैनल में जाएंगे तो आप यहाँ पर अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आपने रेड वाला बटन प्रेस करना है, नाम लिखना है तो ग्रीन वाला, मूव करना है तो येलो, अगर लॉक लगाना है तो आपने ब्लू वाला बटन प्रेस करना है। रेडियो को भी इसी तरह आप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने चैनल कर लें अपने इस रिसीवर में स्टोर, और जब कभी फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट हो जाए तो आप फिर दोबारा यहाँ से सेव कर सकते हैं। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, और जो न्यू चैनल सर्च होंगे आप उनके कलर भी चेंज कर सकते हैं कि जो नया चैनल आया है वो हमें किस कलर में शो हो, तो आप यहाँ पर वो कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर इसमें USB है, आप मीडिया पे जाएंगे, मूवी देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं। और नेटवर्क आप यहाँ पर IP सेटिंग कर सकते हैं, Wi-Fi सेटिंग कर सकते हैं, और 3G है, बाकी भी ऑनलाइन भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। YouTube आपको इसमें मिल जाएगा, और बाकी भी तमाम आप देख लें, यहाँ पर आपको यानी कि जो इसके ऐप वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा यानी कि ये अब हो गया रिसीवर। तो ये छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई हो।